हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर क्लास टेंथ का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस और रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शंस। आप ऐसे ही तो हम केमिकल रिएक्शन नहीं लिख देते, कुछ रूल्स होते हैं उसके, तो हम रूल्स के बेसिस पे लिखते हैं। जब हम बैलेंस करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, तो बैलेंसिंग में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम चेंज करते हैं। हम फार्मूला चेंज नहीं कर सकते वाइल बैलेंसिंग नंबर्स ऑफ एटम्स, ये हमको देखना होता है। और जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसमें कंबशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़नी है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कैन यू रिकॉल से। तो कैन यू रिकॉल में है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये नाइन्थ में पढ़ा है हमने, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के टाइप्स बताने हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स से मिलके बने हैं, या हम जिनको एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एलिमेंट्स हम कहते हैं किसी भी इंटिटी को विच इज़ स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटिटी, मतलब वो सिंगल एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में जब एक सेम एटम खुद को रिपीट करता है तो हम कहते हैं दैट इज़ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन है, HH इस खुद को रिपीट कर रहा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, Cl2 है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो रिपीट कर रहे हैं खुद को ये, एंड सो ऑन। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज, जो आपके एटम्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड लॉज, तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड्स में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे वाटर, देखो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और HCl, इसमें हाइड्रोजन भी है, Cl भी है। तो दे आर कंबाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स। वो रूल्स क्या हैं, इनकी वैलेंसीज हैं, ये वैलेंसीज के अकॉर्डिंग क्रिस क्रॉस करके ये अरेंजमेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स का, भाई हमको कितने ज़्यादा एटम्स लेने हैं, हमको कम एटम्स लेने हैं। सेकेंड है व्हाट इज़ मेंट बाई वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, या हम कहें कि वैलेंसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट और एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है +1, इसकी वैलेंसी है 1, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये Cl की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1 माइनस में 1, ये प्लस माइनस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस कंबाइनिंग कैपेसिटी देख रहे हैं। तो ये भी एक Cl से कंबाइंड होगा, और ये Cl की भी 1 है, तो इसने भी 1 Na से कंबाइंड होना है। अगेन चेक करते हैं, सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है +1, लेकिन चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं यहाँ पे, ऑक्साइड इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है -2, मतलब ऑक्सीजन 2 से कंबाइंड होता है, तो इसने 2 सोडियम से कंबाइंड होना है क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, इसकी 1 है, तो इस एक एन एक ही आपके ओ से कंबाइंड होने वाला है, एक एन एक ही ओ से कंबाइंड होने वाला है। तो ये जो फार्मूला इसका बनेगा, ये बनेगा Na2O, इसका फार्मूला बनेगा NaCl। तो आई होप ये सब नाइन्थ में पढ़ा है ऑलरेडी। तो दिस इज दी वैलेंसी। फिर व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। हमको मॉलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अगेन यहाँ पे लिख लेंगे, थर्ड का आंसर है ये, तो थर्ड का लिखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट। एक हमको पड़ती है कि हमको केमिकल सिंबल्स पता होना चाहिए, मतलब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आपको एक तो पता होना चाहिए कि केमिकल सिंबल्स क्या हैं। अगर आप सोडियम कह रहे हो तो सोडियम क्या है, सोडियम Na है। अगर आप सल्फ़र कह रहे हो तो सल्फ़र क्या है, S है। अगर आपने सल्फ़ेट कहा है तो सल्फ़ेट क्या है, सल्फ़ेट आयन है, ठीक है, 2-। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो केमिकल सिंबल्स मालूम होने चाहिए हमको, और क्या मालूम होना चाहिए, और हमको मालूम होना चाहिए कि जो इसमें जो सबस्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, सबस्क्रिप्ट मतलब ये नीचे से जो नंबर लिखा जाता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि इंडिकेशन ऑफ सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमको।
मीन्स अगर आपने CO2, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ये लिखा है, तो CO2 में ये 2 क्या है, ये C क्या है, ये O क्या है, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम एक जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिक्स हैं जो मालूम होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली हमको इसके लिए, ये जो नंबर की बात करें, इसके लिए हमको वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स मालूम होना चाहिए। तो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स। हाउ आर, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ आर द मॉलिकुलर फार्मूली ऑफ अ कंपाउंड रिटन, कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला ये हमने लिखा है यहाँ पे, तो हमको पता होनी चाहिए वैलेंसीज। अगर हम लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हमको मालूम होना चाहिए H की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1, सल्फेट एक पॉली एटॉमिक आयन है, 9th में पढ़ा है आपने, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2 माइनस में। तो ये हम, ये भी मालूम होना चाहिए कि ये एक एंटिटी है, एक आयन है, ये अलग अलग नहीं है ये, तो इसका 2 आएगा यहाँ पे, क्रिस क्रॉस में आता है, देखो इसने यहाँ पे आना है और इसके 1 ने आना है यहाँ पे 1, तो जो फार्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा H2SO4। ठीक, ऐसे बनाते हैं फार्मूला, तो कोई भी बना सकते हैं। जैसे हमको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो पहले पता होना चाहिए सिंबल मैग्नीशियम का Mg, ये भी पता होना चाहिए इसकी वैलेंसी 2 प्लस होती है, Cl की वैलेंसी 1 माइनस होती है, सब मालूम होना चाहिए। अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे, तो Mg यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 माइनस होती है। अब कैसे फार्मूला बनाना है, इसमें भी यही होगा, ये 2 आपका यहाँ पे जाएगा Cl के पास, इसका 1 यहाँ पे आएगा, ये बनेगा Mg1, उसको लिखते नहीं है, एंड Cl2, ये इसका फार्मूला बनेगा हमने किया। अब देखते हैं आगे इसमें, ठीक है। तो आगे पैराग्राफ में इसमें लिखा है कि अर्लियर स्टैंडर्ड वी हैव सीन हाउ कंपाउंड फॉर्म, तो ये सब हमने 9th में पढ़ा है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे करते हैं वो भी हमने देखा है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टू अटेंड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कम्प्लीट ऑक्टेट। क्यों बनते हैं आयन्स, आयन्स इसलिए बनते हैं कि वो ऑक्टेट को कम्प्लीट कर सकें, ठीक है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, ये अपने ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए बनाते हैं। क्यों, क्योंकि Na सोडियम का एटॉमिक नंबर है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2, 8, दिस इज़ द कॉन्फिगरेशन। ये आई होप आपने पढ़ी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। फर्स्ट शेल में जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, फिर सेकंड में 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप याद रखेंगे। तो जब भी कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, दिस इज़ द पैटर्न, 18 32 32, ठीक है, ये होता है। फिर बाकी हम हायर क्लासेस में 11th में फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर बाकी आपको समझ आएगा और डिटेल में। फिलहाल के लिए इतना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 11 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए ऐसे, तो पहले हमको 2 लिखना है, कितना बचेगा 9, उसके बाद 9 नहीं लिखना है, सीधे 8 लिखना है हमको, तो 8 लिखा, कितना बचा 1, तो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम को क्या करना है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब उसको ये 8 चाहिए, ये उसको 8 चाहिए, तो ये तो 8 हो नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा नहीं, बेटर है ये क्या करेगा, ये लूज़ कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ये, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, ये लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बची, एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन, चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2, 8, क्लियर है इतना। अब हम Cl का देखते हैं इसमें, तो Cl माइनस क्यों होगा, क्यों बनाएगा ये, वो देखते हैं हम। तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन है 17, एटॉमिक नंबर है 17, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले हम 2 लेंगे, 2 लिया तो कितना बचा इसमें, जितना बचेगा, फिर 8 लेंगे, अभी 8 और 2 हो गया तो कितना बचेगा, 17 में से 10 गया 7, ठीक है, ये 7 हुआ। अब इसका ऑक्टेट ईजी है कम्प्लीट करना, इसका ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए हम ये 7 तो लूज़ नहीं करेगा, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो क्या करेगा, ये गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा, ठीक है, ये गेन करेगा, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसे दिखेगा, इसने, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसने एक गेन किया, तो ये हो गया 18 हो गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, और ये 7 क्या है, गेन किया इसने 8, तो जब ये इसने गेन किया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, -1 चार्ज, तो ये है इसका, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये टेबल है, इसके बाद ये था केमिकल रिएक्शन का,
हाँ ये वाला, ये तो पार्ट हमने पढ़ लिया। फिर ये केमिकल रिएक्शंस, ये जो पोर्शन है ये, सम ऑफ द साइंटिस्ट 18th-19th century कैरिड फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिएक्शन। दे प्रूव दैट देयर एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है मैटर का, होता है ना। देखो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं, दोनों क्या हैं, गैसेज हैं, हाइड्रोजन ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आएंगी वो सीखेंगे हम अभी। ये वाटर बनाता है, तो देखो दो गैसेज हैं, एकदम चेंज हो गया सब कुछ, ये लिक्विड बन गया, इसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है, तो क्या हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ एंड दैट चेंज रिमेन्स परमानेंट। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना है तो केमिकल रिएक्शन में चेंज परमानेंट होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, और ये चेंज टेम्प्ररी होता है, बट फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है इसमें। जैसे अगर कोई आइस को मेल्ट करेंगे और वाटर बनेगा, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, ये वाटर है इसका कॉम्पोजिशन, ये सॉलिड स्टेट में है आइस में, और हमने क्या किया इसको लिक्विड में चेंज किया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे चेंज, यहाँ पे दिख रहा है चेंज बस इसका, इसका फार्मूला तो चेंज नहीं हुआ, ये भी H2O है, ये भी H2O, इसमें चेंज नहीं हुआ, दोनों के फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। तो इस पे बेस्ड एक टेबल है, उस टेबल को करते हैं, ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ जहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज दिखेगा वहाँ पे केमिकल चेंजेस होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस टू वाटर फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड इरिवर्सिबल है, कुक्ड फूड को रिवर्स करके रॉ नहीं बना सकते, दिस इज केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो अगेन इसको हम रिवर्स करके फिर रॉ फ्रूट नहीं बना सकते, इसलिए केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इंटू कर्ड, अगेन कर्ड को मिल्क नहीं बना सकते, इसलिए केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो इसको कंडेंसेशन करके हम इसको फिर से वाटर बना सकते हैं, दिस इज फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक इज केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स एक्सपोज टू एयर, तो इसका क्या है, आपका ये फिजिकल स्टेट चेंज किया लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन इसका चेंज नहीं हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ ये आपके टाइल्स होते हैं, इनका लेमन जूस से स्टेन्ड हो जाता है, तो दोबारा ये रिवर्स नहीं होता, इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज, रिएक्ट कर जाता है ये टाइल्स के मटेरियल से। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, दिस इज फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज है ये। फिर यहाँ पे हैं कुछ, अच्छा यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का देखते हैं, ये आप पढ़ लेना। एपरेटस है, केमिकल्स क्या क्या लेना है हमको, प्रोसीजर क्या है, ये सब, इसके बाद हम सीधे एक्टिविटी पे आते हैं। ये है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैं एक पेज ले लेती हूँ बीच में केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए। ओके, तो एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये सब आप अपनी टेक्स्ट बुक से आप देखिए, मैं पीछे इक्वेशंस लिखते जाती हूँ। तो देखो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी में है, आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी में आपसे पूछ रहे हैं टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइम स्टोन पाउडर इन एन इवेपोरेटिंग डिश। तो हमने क्या किया इसमें, लाइम स्टोन पाउडर लिया, लाइम स्टोन होता है स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको क्या किया, इसको स्ट्रांगली इसको हीट किया है, क्या किया है इसको हीट किया है, तो ये डिसोशिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये रिएक्शन को हम कहते हैं, ये सब पीछे हम पढ़ेंगे, अभी आने वाला है ये, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोज हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर दो बना रहा है। बाकी जो इसमें आएंगे रूल्स और कुछ टर्म्स वो हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हमको ये देखना है, ये रिएक्शन भी। सेकंड में जिंक हमको ऐड करना है, जिंक डस्ट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक को डस्ट को ऐड किया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है जिंक और उसकी जगह पे आ जाता है, तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को इसने डिस्प्लेस किया, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर थर्ड है हमारा, अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें कॉपर सल्फेट जो है हमारा ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर से ये कलरलेस, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है,
कलरलेस हो जाएगा, तो इसमें कलर चेंज हो रहा है, इसमें गैस इवॉल्व हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड में हम देखते हैं पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में हमको रिएक्ट करवाना है, तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बेरियम क्रोमेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। ये पूरा 9th में एक टेबल है, अगर अभी आपको लर्न नहीं है तो प्लीज़ लर्न करो, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें बेरियम की जगह पोटेशियम आएगा और पोटेशियम की जगह बेरियम आएगा, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वैसे एक ही डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा K, इसमें आएगा हमारा Cr2 माइनस 2 है, ये 2 आ जाएगा 2 Cr वो, और ये हमारा B आएगा यहाँ पे BSO4, ठीक है, ये बनेगा इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसमें बनेगा हमारा बेरियम क्रोमेट, जो है हमारा बेरियम क्रोमेट कर रहा है ना रिएक्ट, अच्छा पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना है, सॉरी, अच्छा पोटेशियम क्रोमेट को ऐड करना है एक्चुअली, तो उल्टा कर दिया हमने, पोटेशियम क्रोमेट को हमको ऐड करना है बेरियम सल्फेट में, तो क्रिस क्रॉस होगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा K2SO4 प्लस, ये इसके साथ जाएगा ये बनाएगा B। अभी क्यों बना रहा है ऐसे, ये अलग बात है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन तो आपको क्लियर होगा आई होप, क्यों, क्योंकि जो क्रोमेट है CrO4 है, इसमें 2 माइनस होती है वैलेंसी, Ba की 2 प्लस होती है, ये लर्न करनी पड़ेंगी, Ba इधर जाएगा, ये माइनस और प्लस में वैलेंसी है कैंसिल हो जाती है, इसलिए ये BaCrO4 इसका फार्मूला बना। पोटेशियम के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि K प्लस 1 होता है और Cr2O4 2 होता है माइनस 2, इसका 1 इधर आएगा इसका 2 इधर आएगा, इसलिए यहाँ पे K2 आता है K2Cr, तो दीज आर द रीज़न। ओके अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें भी PPT बनेगा, ये बेरियम क्रोमेट का PPT बनेगा यहाँ पे, ये PPT बनेगा इसका येलो कलर का, कलर चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर ये फोर्थ है, फोर्थ में आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये दोनों को मिक्स करना है, तो ये बनाएगा NaCl प्लस CA और CO3। तो ऐड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फर्दर क्या करता है, ये फर्दर अभी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं ना एक्वस सॉल्यूशन, तो ये फर्दर CaO प्लस CO2 प्लस हीट, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि हीट जनरेट करेगा ये, इस वाले केस में हो रहा है टेम्परेचर चेंज। तो पहले ये 4 का हम टेबल फिल कर लेते हैं, यहाँ पे देखो हमने ये सब किया, ये सब यहाँ पे ये एक्टिविटी है, ये हमने किया तो क्या होगा, फिर ये इससे क्या होगा, लास्ट बचा था हमारा थैलिक एनहाइड्राइड इज इवेपोरेटिंग डिस्क, तो थैलिक एनहाइड्राइड स्टूडेंट ये सबलाइम होता है, ठीक है, सबलिमेशन होता है इसमें, तो सबलाइम होगा सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है, इस केस में आप लिखोगे इसमें क्या होता है, सबलाइम हो जाता है बहुत जल्दी जैसे ही एक्सपोज होता है ये, और सॉलिड डिपॉजिट करेगा ये, ठीक है। तो अब ये टेबल है, एक टेबल कंप्लीट करते हैं, ये सब इसमें हुआ है, यही सब इक्वेशंस, ये सब चीज़ों को फिल करना है, तो दिस इज द टेबल। तो फर्स्ट में क्या था, देखो फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में था हमारा वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, गैस रिलीज हुई थी, CO2 गैस रिलीज हुई थी, तो यस इसमें गैस रिलीज होती है। सेकंड वाले में कलर चेंज हुआ था, कलर चेंज हुआ था हमारा ब्लू से कलरलेस हो गया वो,
कलरलेस हो गया था, ब्लू से कलरलेस। थर्ड अगर आप चेक करेंगे तो थर्ड में पीपीटी बना था, थर्ड भी कलर ही था, इसमें पीपीटी था येल्लो पीपीटी। बैक जाके आप चेक कर लेंगे इसको, येल्लो पीपीटी ऑफ BACr04 का, बेरियम क्रोमेट का। फोर्थ हमने देखा था, फोर्थ में टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज, यस, क्या हो रहा है, रेज इन टेम्परेचर होगा, वार्म होगा थोड़ा सा बीकर। फिर जो थैलिक एनहाइड्राइड एकदम लास्ट वाला है हमारा, इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, गैस रिलीज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये एक फिज़िकल चेंज है, ठीक है, फिज़िकल चेंज है, बाकी सारे केमिकल हैं, केमिकल 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 केमिकल। मुझे फाइंड आउट वाला पोर्शन है, फाइंड आउट वाले पोर्शन में यही है बस कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस, ये पूरा डिफरेंशिएट करने वाला है पूरा। इसमें पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस में हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस को डिफरेंशिएट करते हैं, तो लर्न करना है इनकेस आ गया तो। अगेन ये मैं बता दूँ, रिड्यूस पोर्शन हम ले रहे हैं, सारा है पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से जो पोर्शन रिड्यूस्ड है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे केमिकल फिज़िकल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करो, तो जो फिज़िकल चेंजेस हैं, फिज़िकल चेंजेस में क्या क्या होता है, फिज़िकल चेंजेस में पैरामीटर चेंज होते हैं, कौन से पैरामीटर, टेम्परेचर प्रेशर, ये चेंज होगा, ये यूजुअली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम, फॉर एग्ज़ाम्पल आइस ट्रांसफॉर्म टू वाटर, तो इसमें H2O का जो फार्मूला होगा वो सेम रहेगा। अब केमिकल चेंजेस में जो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर है, केमिकल चेंजेस में कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है, किसमें, केमिकल चेंजेस में। व्हेन वी कॉल अ पर्टिकुलर प्रोसेस एंड फिनोमिना केमिकल चेंज, इसका मतलब उसमें रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द कंसर्न मैटर, कोई रिएक्शन हो रही है इसका मतलब। केमिकल रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में, तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस undergo bond breaking and transformed into new substances by formation of new bond. The substances taking part in chemical reaction, जो reaction में participate कर रहे हैं वो reactants होते हैं, और जो हमको substance formation होता है उसको हम कहते हैं products, ठीक है। तो reactants होंगे जो participate कर रहे हैं, whereas substance formed as a result of chemical new bond उनको हम product कहते हैं। फॉर example, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाई कम्बशन ऑफ कोल, तो अगर ये सी और ऑक्सीजन अगर कम्बशन हो रहा है कोल का और ये CO2 बना रहा है, तो इसमें ये दोनों क्या हैं, दीज आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम उसके लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने ये केमिकल इक्वेशन लिखी। तो अभी हमने एक्टिविटीज़ में जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उन्हीं के उन्हीं एग्जांपल्स को लेके ये एक्सप्लेन कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस को। तो जो जिंक वाला एग्जांपल था हमारा, कॉपर और जिंक वाला, उसमें क्या था, हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया था जो कि ब्लू कलर का था, और फिर उसके बाद ये कलरलेस हो गया था, ठीक है। हमने लिया था ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और ये कलरलेस हो गया। तो जब हम ऐसे लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स में बता रहे हैं हम इसको, कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट इज इक्वल टू कॉपर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल फार्मूला में ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये केमिकल फार्मूला है इसका, कि कॉपर सल्फेट को हमने ऐसे लिखा, जिंक को हमने ऐसे, जिंक डस्ट को हमने ऐसे लिखा, जिंक सल्फेट ऐसे एंड कॉपर ऐसे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, ये डेफिनेशन है इसकी, प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फार्मूले, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये हमको प्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शंस। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखनी है हमने केमिकल इक्वेशन वो देखते हैं।
तो सिंपल इसमें सबसे पहले है किसी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमको रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड जो केमिकल रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड लिखते हैं. तो ये रूल है. फिर एक एरो लिखते हैं हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हेड कर रहा है वो एरो. में बीच में एग्जाम्पल देके समझाते हैं हमको. ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या बता रहे हैं आपको कि लेफ्ट साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं, ऐसे लेफ्ट साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं. फिर हम एक एरो बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को हेड करता है, टूवर्ड्स प्रोडक्ट होता है, और ये ऐसे बनाते हैं. इसके बाद हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर टू और मोर देन टू हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन ऐड करते हैं. जैसे इसमें हम प्लस का साइन ऐड कर रहे हैं तो ये रूल टू में है, प्लस का साइन हम उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं इसकी. जैसे सोडियम प्लस Cl2 हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं. फिजिकल स्टेट लिखने का मतलब सोडियम किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है. अगर सोडियम यहाँ पे, ये सॉलिड है, ये यहाँ पे गैस है, ये यहाँ पे सॉलिड है. कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो ये फिजिकल स्टेट्स में हम इनको लिखते हैं. फिर अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमारे अभी जो हमने पीछे रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें PPT बन रहा था बेरियम क्रोमेट का BaCr O4 का, तो हम उसको ऐसे डाउनवर्ड एरो से प्रेजेंट करते हैं प्रेसिपिटेट को, क्योंकि वो सेटल हो जाता है ना नीचे. अगर कोई गैस होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, या फिर हम उसको अपवर्ड एरो से उसको शो करते हैं. अगर सॉल्ट्स हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्ट करते हैं, तो अगर कॉपर सल्फेट है तब हम उसको AQ ऐसे एक्वस लिखते हैं. जिंक रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉलिड है. अब जब ये फिर से सॉल्ट बनाएगा जिंक सल्फेट, तो ये फिर से एक्वस सॉल्यूशन में बनाएगा, तो इसको हम AQ में ही प्रेजेंट करते हैं ऐसे, और फिर हम कॉपर लिखते हैं विच इज़ सॉलिड. अब जैसे एक और एग्जाम्पल था, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आप हीट दे रहे हो किसी को, जैसे ये है यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हीट का साइन होता है. आप हीट भी लिखते हो ऐसे, या ये नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे ट्राइंगल का साइन बनाते हैं, ये हीट का साइन होता है. तो डिकम्पोज हो रहा है ये ऐसे, अपवर्ड एरो मतलब ये गैस है. अब एक और चीज़ आती है इसमें कि ये सब तो इसके रूल्स हो गए. एक और आता है कि ये जो एरो होता है, एरो के यहाँ पे ये एरो है यहाँ पे, इस एरो के ऊपर हम स्पेसिफिक कंडीशंस लिखते हैं यहाँ पे कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कोई कैटलिस्ट है या नहीं है, वो सब हम लिखते हैं, फिर हम रिएक्शन करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल दिया है आपके पास कि एक अगर आप वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन करवा रहे हो, तो क्या चाहिए हमको, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, तब वो हमको घी बना देता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, वनस्पति घी बनता है. तो ये हमने इसमें कंडीशंस लिखी. और है एक और रूल है कि सिर्फ एरो के ऊपर ही नहीं होता बल्कि स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है. रुकेंगे, सिक्स्थ पॉइंट होगा इधर, ये फाइव, यहाँ फाइव तक तो हमारा हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है हमको, जैसे ये है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, क्योंकि दोनों ही केसेस में रिएक्शन अलग हो जाती है. अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारा, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, और यहाँ पे नाइट्रिक है, तो ये डिफरेंस है ना दोनों में. तो डिफरेंस कैसे आया, देखो रिएक्टेंट भी सेम है, सेम रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेम बन रहे हैं, बस एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिफर करेगा. तो वो कैसे डिफर कर रहा है, बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट लिखने से होने से मतलब. तो ये मेंशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में अलग प्रोडक्ट बनाएगा ये, और डाइल्यूट होगा तो ये अलग बनाएगा, तो इतना डिफरेंस आ जाता है इसमें. फिर ये तो यहाँ पे ये एक और एक्टिविटी है, इसको देखते हैं.
तो ये एक्टिविटी में लिखा है यहाँ से, ये इसका डायग्राम है एक्टिविटी में आपको, कि हमको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है कोनिकल फ्लास्क में, ये इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया हमने। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, इसको वे करेंगे, इसका सर्टेन इसका वेट आएगा। अब हम इसको किसी थ्रेड से ऐसे टाई कर देंगे और फिर इसको ऐसे उल्टा कर देना है हमको, इसमें एयर टाइट कर देना है इसको। तो यहाँ पे भी ये मिक्स हो गया, दोनों के दोनों मिक्स हो गया। मिक्स हो गया मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन किसकी हुई? सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की। केमिकल रिएक्शन करके इसने वाइट पीपीटी बनाएगा इस सिल्वर क्लोराइड का और सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम इसको वे करेंगे। तो अब हम अगर वे करेंगे तो हमने क्या देखा, फिर से सेम, मतलब जो वेट होगा इसका सेम होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसको इंडिकेट करती है। ये इंडिकेट करती है कि ये मास इज कंजर्वड, वो चेंज नहीं होगा, वो केमिकल ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो कंजर्वड रहता है, सेम रहता है। जितने नंबर ऑफ मास इधर इस साइड रहेगा रिएक्टेंट के साइड, उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी रहेगा। तो ये एक्टिविटी में आपको ये सब बता रहे हैं। लास्ट में पूछ रहे हैं कि सॉरी, ये लास्ट में पूछ रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द वॉटर इंक, डू यू नो? ओके, फाइंड आउट पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एवरीडे लाइफ। तो ये याद रखना आप, सिल्वर नाइट्रेट इसके कुछ और यूजेस हैं। तो मिरर्स बनाने के काम आता है, ये मिरर्स बनाने के काम आता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, यूज इन फोटोग्राफी। एक दो पॉइंट हैं ये। एक और इसका पॉइंट है, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इसको टू हील अल्सर, टू हील माउथ अल्सर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके मैं जल्दी डाउनलोड करती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।